एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपका स्वागत है इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं सेवन एक्स प्लस सेवन वाई इज़ नाइनटीन टू जीरो एट एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन ओके सो ये सात के पावर्स हैं दोनों और उसका सम है उन्नीस हज़ार दो सौ आठ सबसे पहला जो लॉजिकल स्टेप हमें करना है वो ये है हमें नाइनटीन टू ज़ीरो ऐट का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूं पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो नाइनटीन टू जीरो एट बाई से डबल फोर ओके नाउ टू सेवन डबल फोर डिवाइडेड सेवन गिफ्ट थ्री नाइन्टी टू अगेन थ्री नाइन्टी टू 7 बाई सेवन गिफ्टी सिक्स एंड देन फिफ्टी सिक्स बाई सेवन 8 एट so, सो इट इज नथिंग बट सेवन का फोर इंटू एट तो दिस थिंग इज दैट कि सेवन से चार बार डिवाइड हुआ लास्ट में एट छोड़ा राइट तो नाइनटीन टू जीरो एट कम्स एज सेवन टू द पावर फोर इंटू टू टू द पावर क्यू राइट ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑब्वियसली जब भी सेवन का पावर एक्स प्लस सेवन का पावर वाई होगा कॉमन कौन सा नंबर आएगा जो दोनों में मल्टीप्लीकेशन है सपोज कर लो सेवन का पावर थ्री है एंड सेवन का पावर फाइव है तो इस केस में सेवन का पावर थ्री कॉमन होगा क्योंकि सेवन का पावर फाइव कैन बी रिटर्न एज सेवन का पावर फाइव कैन बी रिटर्न एज सेवन का पावर थ्री प्लस टू और सेवन का पावर थ्री इंटू सेवन का पावर स्क्वायर सो दिस वे वी कैन से कि वॉट हैपन्स जब भी कोई भी कॉमन होगा तो दोनों में होगा राइट right? मतलब मिनिमम पावर वही होना चाहिए कॉमन होने के लिए राइट आई मीन इट इज सेट्रोसाइट इन बोथ द पावर्स राइट सेवन का क्यूब इन 50 फिफ्टी विल बी इन दिस केस अगर हम लोग करें तो अगर सेवन का पावर हमारा कॉमन आ रहा है सेवन का पावर फोर इट मीन्स दिस एक्स हैज टू बी फोर एंड वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन फोर राइट दिस इज द कैन टेक बिकॉज द वन विच इज कॉमन शुड इन बोथ द पावर्स सो नाइनटीन टू जीरो एट being 7 टू पावर 4 into 2 to द पावर क्यू गिवस एस मैसेज दैट द लोअर विच इज सेवन सपोज विच इज सेवन टू पावर एक्स और सेवन टू पावर वाई वॉट एवर इट इज लोअर पावर ऑफ सेवन गिवेन इन दिक्कस इक्वेशन इज सेवन टू द पावर फोर राइट नाउ वी विल हैव वन नंबर इन द इक्वेशन सेवन टू द पावर फोर द सेकेंड नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन सेवन टू द पावर फोर तो जो भी ये सेवन टू द पावर वाई होगा या सेवन टू द पावर एक्स होगा अजूमिंग इस केस में एक्स इक्वल टू फोर है और इस केस में वाई इक्वल टू फोर है सपोज कर लो इन बोथ द केसेज द नंबर विच विल कम हेयर विल बी ग्रेटर देन फोर तभी यह पॉसिबल है कि मान लो सेवन टू द पावर फोर है सेवन टू द पावर सिक्स है उस केस में ही आप सेवन टू द पावर फोर वन प्लस सेवन टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि सेवन टू द पावर सिक्स विल भी फोर प्लस टू एंड इट विल भी सेवन टू द पावर फोर इन टू सेवन टू द पावर टू क्योंकि आप क्या लिख सकते हैं कोई भी पावर को अगर आपने एम ए टू द पावर एम प्लस एन लिखा है तो इट इज नथिंग बट ए टू दावर एम इन टू ए टू पावर एन दट वे इट इज राइट नो फॉर एक्स प्लस वाई इज गिवेन एज नाइन राइट आई अंडरस्टैंड वन ऑफ द नंबर इज फॉर द अदर नंबर हैजू बी फाइव दर इज नो अदर वे वन नंबर इज फाइव अदर नंबर फोर तो माई एक्स वाई विल बी ओनली टू पॉसिबिलिटी फोर फाइव एंड फाइव फोर लेटेस्ट टेस्ट दिस तो हमने पहला नंबर सेवन टू पावर फोर माना एक्स को तो इट विल बी सेवन टू द पावर फोर वन प्लस सेवन टू द पावर वन क्योंकि सेवन टू द पावर फाइव कैन बी रिटर्न एज सेवन टू द पावर फोर प्लस वन और सेवन टू द पावर फोर इंटू सेवन टू द पावर वन राइट तो इटव सेवन टू द पावर फोर वन प्लस सेवन और सेवन टू द पावर फोर इंटू एट और सेवन टू द पावर फोर इंटू टू दावर क्यों तो ये सही है एक्स फोर वाई फाइव इसका सॉल्यूशन है सिमिलर वे में एक्स फाइव वाई फोर भी सॉल्यूशन है सेम सिचुएशन बस एक्स और वाई स्वाइप होंगे तो हमारे पास दो सिचुएशन आ रहे हैं एक्स वाई कैन बी फोर फाइव और इट कैन बी फाइव फोर राइट नो एक सेकेंड मेथड भी देख सकते हैं वो सेकेंड मेथड हमें क्या बोलता है चूंकि ये सेवन के पावर्स है सेवन का पावर वन होता है सेवन जस्ट लास्ट डिजिट देख रहे हैं हम यहाँ टू विल बी सेवन सेवन नाइन लास्ट डिजिट केवल ट्रैक करेंगे सेवन का क्यू थ्री सेवन का फोर विल बी सेवन थ्री वन हम जस्ट सेवन से गुना कर रहे हैं जो भी लास्ट का डिजिट आ रहा है लास्ट का यूनिट डिजिट उसी तरह सेवन का फाइव भी अगेन विल भी सेवन सेवन का सिक्स विल बी अगेन नाइन सेवन का सेवन विल भी अगेन थ्री सेवन का एट विल बी अगेन वन एंड सेवन का नाइन विल भी अगेन सेवन अब जो नंबर हमारा समेशन है उसका लास्ट डिजिट क्या है एट ये दो सिचुएशन में आ सकता है कब जब आपके पास यहाँ पे वन हो और यहाँ पे सेवन हो या आपके पास यहाँ पे वन हो और यहाँ पे सेवन हो राइट तो अगर हम वन और सेवन वाला केस देखें एक सेवन टू पावर जीरो टू वन भी होता है दैट वी कैन ऑल्सो थ्रू तो एक्स वाई में अगर आप देखेंगे तो अगर एक जीरो है तो दूसरा नाइन होना चाहिए तो सेवन टू द पावर जीरो और सेवन टू द पावर नाइन चेक कर सकते हैं हम कि दिस इज गिविंग अस नाइनटीन टू जीरो एट और नॉट एंड दूसरा जो है सेवन टू द पावर एंड सेवन टू द पावर फाइव चेक कर सकते हैं क्योंकि इनके लास्ट डिजिट वन एंड सेवन है इनका सम एट होता है तो सेवन टू द पावर फोर सेवन टू द पावर फाइव विल गिव अस वो नाइनटीन सेवन टू जीरो एट और नॉट अगेन सेवन टू द पावर फाइव प्लस सेवन टू द पावर एक ही चीज़ है एक्स एन वाइज स्वैप हो रहा है यहाँ पे वी कैन सी अब सेवन टू द पावर नाइन के बारे में अगर चेक करें तो सेवन टू द पावर नाइन विल भी सेवन का क्यू सेवन का क्यू इंटू सेवन का क्यू ये सेवन का क्यू थ्री फोर्टी थ्री होता है इंटू थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री अगर आप केवल तीन सौ भी मान लो लेट नॉट कैलकुलेट एग्जैक्टली बट लेट्स अज्यूम की थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड तब भी वी विल हैव ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स हमारा नंबर जो यहाँ है टेन टू द पावर सिक्स के ऑर्डर का नहीं सो दिस नॉट गोना हैपन सेवन टू द पावर फोर एंड सेवन टू द पावर फाइव के केस में वी कैन चेक सेवन टू द पावर फोर क्या होता है थ्री सेवन टू द पावर थ्री होता है थ्री फोर्टी थ्री एंड सेवन टू द पावर फोर होता है टू फोर जीरो वन राइट एंड अगर हम सिंपली सेवन टू द पावर फोर कॉमन लें तो वी विल गेट वन प्लस सेवन एज एक्सप्लेनियर तो सेवन टू द पावर फोर इन टू एट कम्स आउट टू बी नाइनटीन टू जीरो एट तो ये सही आंसर है और ये सेकेंड वाला भी एग्जैक्ट सेम कंडीशन अप्लाई होता है केवल एक्स वाई स्वाइप होते हैं तो ये भी सही आंसर है तो ये दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी बोथ द वैल्यूज आर राइट है फोर फाइव और फाइव फोर दैट इज योर आंसर आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच